परेशानी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका, परेशानी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका, जब भी आपकी मुलाकात परेशानी से हो जाए, जब भी आपकी मुलाकात परेशानी से हो जाए, परेशानी को गले मिलाओ और मुस्कुराओ, ताकि परेशानी भी परेशान हो जाए ये सोचकर कि मैं इसको कैसे परेशान करूं, और दोबारा वो आपके मुड़ कर ना देखे, परेशानी इस तरह से परेशान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, और प्लाज्मिड किस प्रकार का होता है, प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार से दिखाई देता है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो देखिए प्लाज्मिड लिखा हुआ है, प्लाज्मिड हम लोगों को कैसा दिखाई देता है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, प्लाज्मिड जो होता है किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य केंद्रक डीएनए को छोड़कर जितने भी सूक्ष्म वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। कहने का मतलब यह है, एक जीवाणु कोशिका होती है और इस जीवाणु कोशिका में एक मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, मेन जीनोमिक डीएनए होता है, उस डीएनए को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी सूक्ष्म या छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए के अणु होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं और कहां पर होते हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको अगर हम कहें कि ये जीवाणु कोशिका को हम बनाएं, ये जो है इसको हम अगर जीवाणु कोशिका कहें तो ये हमारा जो होगा मेन जेनोमिक मटेरियल होगा, या इसको हम मेन डीएनए बोलेंगे, मेन डीएनए या मेन जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। इसके अलावा इस कोशिका में सूक्ष्म छोटे छोटे वृत्ताकार जो डीएनए के अणु होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी जीवाणु कोशिका में मुख्य केंद्रक डीएनए को छोड़कर जितने भी सूक्ष्म छोटे वृत्ताकार डीएनए के अणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये बात थी प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये प्लाज्मिड की डिफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं एक जीवाणु कोशिका में कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो एक जीवाणु कोशिका में एक से लेकर के 100 तक की प्लाज्मिड हो सकते हैं। अब हम प्लाज्मिड नाम इसका जो है किसने रखा, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड का जो नाम है, प्लाज्मिड जो टर्म है वो किसने दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मिड जो वर्ड है, टर्म है, ये जोसोवा लीडरबर्ग ने 1952 में दिया था। किस सन में दिया था, 1952 में सबसे पहले प्लाज्मिड नाम दिया था जोसोवा लीडरबर्ग ने। अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मिड होते हैं मौजूदा हालत में, अगर हम बात करें कि प्लाज्मिड कितने हैं, तो प्लाज्मिड जो हमारे 500 से अधिक भी खोजे जा चुके हैं, 500 से भी अधिक हमारे प्लाज्मिड खोजे जा चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड की अगर हम साइज की बात करें, तो प्लाज्मिड जो होता है और डीएनए की अगर हम एवरेज या क्वांटिटी की बात करें, तो मुख्य जो डीएनए होता है यहां पर ये लाइन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है प्लाज्मिड 2%, प्लाज्मिड जो है 2% होता है मुख्य डीएनए का, या मुख्य डीएनए की अपेक्षा जो या उसके एवरेज में अगर हम प्लाज्मिड की क्वांटिटी की बात करें तो 2% होता है। इसके अलावा और हम बात करेंगे कि इसका साइज क्या होता है, तो देखिए ये जो है 1000 गुना स्मॉलर होता है। क्या होता है बेटा, स्मॉलर होता है, किसकी अपेक्षा, मेन जीनोमिक डीएनए की अपेक्षा 1000 गुना स्मॉलर होता है। इसके अलावा हम फिर बात करेंगे कि यहां पर आप देख रहे हैं अगला पॉइंट दिया गया है PBR-322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। देखिए हमने कहा था कि 500 से भी अधिक प्लाज्मिड खोजे गए हैं, लेकिन नेचुरली तरीके से खोजे जाने के बावजूद भी हमें यह आवश्यकता हुई कि हमें कृत्रिम तरीके से भी प्लाज्मिड बनाने की आवश्यकता हुई। तो हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड हमारे जो आर्टिफिशियल है वो कौन कौन से हैं।
तो सबसे ज्यादा जो मोस्टली हम कहें सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, तो पीबीआर 322 का होता है, और दूसरा हमारा जो प्लाज्मिड है जो दूसरे नंबर पर यूज होता है उसे हम पीबीआर 327 कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं पीबीआर 322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो किसने बनाया है, लिखा हुआ है फॉर्म्ड इन, बनाया गया इन 19, यहां पर दिया गया है 1977 में दिया गया है, और कहां पर बनाया गया, तो हर्बर्ट की लैब में बनाया गया था, एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट, तो उनकी लैब में यह बनाया गया था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है, प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है, और यहां पर हम बात करेंगे जो पीबीआर 322 दिया गया है इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पर पी का मतलब प्लाज्मिड से लिया गया है, पी का मतलब किससे लिया गया है, प्लाज्मिड से लिया गया है, और बी का मतलब जो है यहां पर किससे लिया गया है, बोलीवर से लिया गया, किससे लिया गया है, बोलीवर से लिया गया है, और आर जो होता है, आर जो होता है ये रोड्रिगेस से लिया गया है, किससे लिया गया है, रोड्रिगेस से लिया गया है, और 322 जो है ये आपको नंबर दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा पीबीआर 322 जो है इसमें आर पाया जाता है, आर का मतलब एक ऐसा रीजन होता है जिसको हम रेजिस्टेंस साइट कहते हैं। कहने का मतलब देखो प्लाज्मिड जो हमारा होता है, यहां पर आप देख रहे हैं इसको भी हम बताएंगे, इसमें रेजिस्टेंट जीन होता है। रेजिस्टेंट जीन का मतलब यह होता है ये किसी भी एंटीबायोटिक्स औषधि के लिए रेजिस्टेंट होता है, मतलब जिस किसी जीवाणु में ये पाया जाएगा, जिस किसी जीवाणु में डाला जाएगा, तो उस जीवाणु को कौन सी दवाएं, कौन सी एंटीबायोटिक्स औषधियां उस पर असर नहीं करेंगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो पीबीआर 322 है इस पर जो है दो जो ऐसी औषधियां हैं, दो क्षेत्र होते हैं जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं, दो जीन होते हैं, और कौन सी एंटीबायोटिक औषधियां इस पर काम नहीं करेंगी पीबीआर 322 पर, तो पीबीआर 322 पर दो रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो किसको, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को क्या करता है, रेजिस्टेंट करके रखता है, मतलब ये दो औषधियां इस पर काम, एंटीबायोटिक्स जो है काम नहीं करेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं पीबीआर 322 में बेस पेयर कितने होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 43 यानी 4361 बेस पेयर होते हैं। और हम बात कर रहे थे कि दूसरा जो आर्टिफिशियल जो हमारा पीबीआर 327 है उसमें बेस पेयर कितने होते हैं, तो पीबीआर 322 में पीबीआर 327 की बात कर रहे हैं, पीबीआर 327 जो होता है उसमें बेस पेयर की संख्या जो होती है 1427 से 2516 तक होती है, 1427 से 2516 तक होती है। इसके अलावा और हम बात करते हैं कि जो कृत्रिम तरीके के बनाए गए, जो कृत्रिम तरीके मतलब आर्टिफिशियल पीबीआर 322 पीबीआर 327 के अलावा भी जो कुछ हमारे प्लाज्मिड हैं जो बनाए गए हैं, तो उनका नाम भी आप देख सकते हैं, उन्हें हम PUC 19 PUC 18 इत्यादि नामों से जानते हैं। अब उसके अलावा हम बात करते हैं, एक हमारा प्लाज्मिड ऐसा भी होता है जिसे हम RP4 प्लाज्मिड इकोलाई भी कहते हैं, RP4 प्लाज्मिड इकोलाई कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक हमारा जो होता है कनामाइसिन के लिए रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होता है, और तीसरा एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार सा प्लाज्मिड होता है, तो कार्य करने के आधार पर प्लाज्मिड को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर एफ फैक्टर होता है, आर फैक्टर होता है, कोल फैक्टर होता है, इसके अलावा और भी हमारे जो है यहां पर टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एफ फैक्टर है, जो एफ फैक्टर प्लाज्मिड है वो फर्टिलिटी में इन्वॉल्व होता है। फर्टिलिटी मीन्स होता है एक प्रकार से उर्वर होना, मीन्स अपने विभाजन कराना, अपनी संख्या को बढ़ाना, उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। देन हम कह सकते हैं कि जिसमें ये फैक्टर होता है उसको हम एफ पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होता उसे हम एफ निगेटिव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और इसमें दो ओराई होते हैं,
ओराई वी और ओराई टी भी होता है, ओराई बी और ओराई टी भी होता है। ओराई वी क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ओराई है, ओरिजिन ऑफ साइट है, ओरिजिन जीन है, और यहां पर ओराई टी भी होता है, दोनों यहां पर प्रेजेंट होते हैं। एक पॉजिटिव की बात कर रहे थे, कौन आता है, एफ ई कोलाई आता है, जो एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, एफ ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें ये प्लाज्मिड कह सकते हैं, ये जो प्लाज्मिड है एफ ई कोलाई जो प्लाज्मिड होता है वो एफ फैक्टर के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा जो आर है, आर फैक्टर, आर फैक्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है, मतलब ऐसा फैक्टर या ऐसा प्लाज्मिड है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड है जो क्या करता है एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होता है। अभी हमने कहा था, अभी जैसे हमने कहा कि जो हमारा पीबीआर होता है दो इसमें रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, यहां पर आप हमने आपको बताया आरपी फोर प्लाज्मिड इकोलाई जो होता है थ्री जो है तीन रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, तीन औषधि एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होता है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो आर फैक्टर होता है या आर फैक्टर वाले जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या करते हैं, लिखा हुआ रेजिस्टेंट फॉर एंटीबायोटिक्स, मतलब ये औषधियों के प्रति जिसमें ये आर फैक्टर पाया जाएगा तो वो औषधियां जो एंटीबायोटिक्स औषधियां होंगी उनके लिए रेजिस्टेंट का काम करेगा, मतलब ये वाला प्लाज्मिड जिस किसी बैक्टीरिया में होगा उस पर वो औषधियां काम नहीं करेंगी। तो कौन सा प्लाज्मिड होता है, यहां पर आप देख रहे हैं आरपी फोर, कौन सा होता है आरपी फोर, देखिए हमने यहां पर कहा था आरपी फोर, ये किस प्रकार का है आर फैक्टर या आर टाइप का प्लाज्मिड्स है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोल फैक्टर वाला जो प्लाज्मिड्स है जिसको हम क्या कहते हैं कोलिसिनोजेनिक, कोलिसिनोजेनिक जो फैक्टर होता है इसमें क्या लिखा हुआ है इट कैन फॉर्म एंटीबायोटिक्स, मतलब क्या कर सकता है इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का निर्माण कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जिसमें यह फैक्टर जिस प्लाज्मिड में मौजूद होगा, यानी कि उस बैक्टीरिया का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे एंटीबायोटिक्स औषधि बनाएंगे, ड्रग्स बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स बनाएंगे। इसके अलावा कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो डीजेनरेटिव होते हैं, मतलब जिस किसी जीवाणु में होंगे वो धीरे धीरे डीजेनरेट होते रहते हैं तो उसको डीजेनरेटिव टाइप ऑफ प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो होता है वायरुलेंस प्लाज्मिड जो होता है, वायरुलेंस प्लाज्मिड आप जानते हैं ये प्रभावित करेगा एक प्रकार से संक्रमण करेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं क्रिप्टिक प्लाज्मिड दिया गया, क्रिप्टिक प्लाज्मिड का मतलब होता है ये प्लाज्मिड होगा लेकिन क्या करेगा कुछ नहीं काम करेगा, मतलब निष्क्रिय अवस्था में उस बैक्टीरियल सेल में पड़ा रहेगा तो उसको क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक और प्लाज्मिड होता है जिसको हम सोसाइड प्लाज्मिड कहते हैं, ये क्या करता है किसी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और कुछ समय के बाद में या अगर किसी दूसरे में भेज दिया जाता है तो ये सोसाइड कर लेता है, इसलिए इसको सोसाइड क्या कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये टाइप ऑफ प्लाज्मिड थे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एक अच्छे जो प्लाज्मिड होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो प्लाज्मिड का प्रॉपर्टी समझने के बाद में हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिखा हुआ स्मॉलर, मींस अच्छा जो हमारा होगा अच्छा प्लाज्मिड होगा वो स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। और दूसरा पैलिंड्रोम्स होना चाहिए, पैलिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है, पैलिंड्रोम्स अभी हम देखेंगे यहां पर थोड़ा सा। देखो पैलिंड्रोम्स वो जीन कोड का या जीन का अनुक्रम होता है जो चाहे उनको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो वो क्रम आगे से पढ़ा जाए पीछे से पढ़ा जाए वो सेम सेम हो तो उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। कैसे इस बात को हम समझेंगे, तो यहां पर जैसे ऊपर की चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे और उसके बाद में यहां पर हम देखेंगे, हम बात कर रहे थे पैलिंड्रोम्स क्या है। देखिए पैलिंड्रोम्स जीन का वह अनुक्रम है जो आगे से पढ़ा जाए तब भी वही आए और पीछे से भी पढ़ा जाए तो तब भी वही आए। तो हम यहां पर बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है मल या लम, अब देखिए यहां पर एम ए तो एम ए एल एल ए ए वाई, कहने का मतलब है इसको चाहे तो आगे से पढ़ लो मलयालम आएगा और चाहे तो पीछे से पढ़ लो मलयालम आएगा, मतलब ये क्या है एक पैलिंड्रोम है, क्या है पैलिंड्रोम है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे हम हिंदी में लिखेंगे कनक, क्या लिख दें? कनक। अब इसको चाहे इस तरफ से पढ़ो कनक होगा और चाहे इस तरफ से पढ़ो तो कनक होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रकार के पॉलिंड्रोम्स को, तो हम एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन आपके मन में आया इच्छा ये होगी कि आखिर रियल जो प्लाज्मिड का जो पैलिंड्रोम्स होता है वो कैसा होता है। तो देखिए यहां पर एक प्लाज्मिड होता है, एक प्लाज्मिड का जो है पैलिंड्रोम होता है जी ए ए टी टी सी और ये 5-3-। अब देखिए यहां पर जब ये 5- होगा तो ये डीएनए की एक श्रृंखला हो गई और डीएनए की दूसरी श्रृंखला ये रहेगी, तो 5- हमेशा 3- के एंगल में जुड़ता है और 3- हमेशा 5- के एंगल में जुड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं जी किससे जुड़ेगा, जी ट्रिपल बॉन्ड के, हम लोगों ने डीएनए के मॉडल में पढ़ा था कि जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ता है, ए हमेशा टी से जुड़ेगा, ए हमेशा टी से जुड़ेगा, टी हमेशा ए से जुड़ेगा और सी हमेशा जी से जुड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोम है। क्या है? पैलिंड्रोम है, क्योंकि 5 से पढ़ो तो जी ए ए आ रहा, 5 से पढ़ो जी ए ए टी टी सी आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक पैलिंड्रोम है। और हम बात करेंगे कि ये इसमें जो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है इसको काटता कहां से है, तो हमेशा काटेगा कहां, जी और ए के बीच से काटता है। कहां से काटेगा? जी और ए के बीच से काटेगा। और देखिए यहां पर ये इसका क्या है, ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है और जिसमें पॉलिंड्रोम नहीं होगा तो वो कटेगा ही नहीं, और जब कटेगा ही नहीं तो वो जोड़ेगा नहीं, और जब जोड़ेगा नहीं तो कोई नई चीज इन्वेंट नहीं करेगा, और जब कटेगा नहीं जोड़ेगा नहीं तो वो प्लाज्मिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लाज्मिड में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अगर इसके पहले वाले हमारे बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, प्लाज्मिड का कार्य पता चल जाएगा। तो प्लाज्मिड अगर कटना और जोड़ना नहीं जानता है, प्लाज्मिड कटना और जुड़ना नहीं जानता है, इसका मतलब यह है कि ये उसमें पैलिंड्रोम्स होगा ही नहीं, और जब कटना और जुड़ना नहीं जानता है तो वो प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए तो प्लाज्मिड आर्टिफिशियल बनाए गए हैं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ओराई साइट जो है बनाए जा सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीन को वो अपने साथ जोड़ सके, इसीलिए पीबीआर 322 पीबीआर 327 जो है बनाए गए हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ओराई सेंटर बनाए गए, ओराई साइट बनाए गए हैं। जिस किसी भी प्लाज्मिड में ओराई की संख्या कम होगी वो प्लाज्मिड उतना ही बेकार होगा, अभी प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे। तो पैलिंड्रोम्स का होना यानी जितना ज्यादा पैलिंड्रोम्स होंगे कटिंग की क्षमता ज्यादा होगी, उतना ही वो उसकी बेस्ट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लिखा हुआ है जीन को इंसर्ट करे, देखो बेटा जब तक प्लाज्मिड कटेगा नहीं तब तक उसके पास में ये कैपेबिलिटी नहीं आएगी जीन्स को इंसर्ट करे। जीन्स को इंसर्ट करने का मतलब है अपने अंदर जोड़ ले। अभी इसको हम समझाएंगे आपको, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड है, और इसको हम मान लिए कि ये डीएनए की एक श्रृंखला है। और देखिए प्लाज्मिड की खास बात क्या है, प्लाज्मिड जो होते हैं कुछ सर्कुलर भी होते हैं, यहां पे प्लाज्मिड हम लोगों ने सर्कुलर देखा है, कुछ लाइनियर भी होते हैं और कुछ वायरसों में भी मौजूद होते हैं, कुछ वायरसों में भी मौजूद होते हैं। तो ये देखो कटा हुआ प्लाज्मिड है, आप जानते हैं प्लाज्मिड को किससे काटते हैं, डीएनए को किससे काटते हैं, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं। तो यहां पर देखिए अगर यहां की एक श्रृंखला ये जी से कट गया तो बाकी का जो ये अक्षर होगा जी जुड़ेगा यहां पर, जी कहां जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, और बाकी के अक्षर आएंगे ए ए टी टी सी इस तरफ यहां पर आ जाएंगे, और उसके बाद देखो यहां पर जो दूसरे वाली लाइन बनेगी उसका जी जी यहां पर जुड़ गया, जी यहां पर जुड़ गया, और बाकी की जो लाइन होगी वो यहां से सी टी टी ए ए इस तरह से हो जाएगी। तो देखिए बात समझ में आ गई आपको, एक मिनट देखिए, जी यहां पर मान ली इसके नीचे वाला है तो 5 में जुड़ा तो ये 5- हो गया और ये यहां पर 3- आया। उसके बाद देखेंगे कि यहां पर ये जो आ रहा है ये 5- आ रहा है, ठीक है ये 5- आ रहा है, और जी के बाद में ए आना चाहिए बेटा यहां पर, कैसे इसी सीरियल में, यहां जी के बाद में डबल, हाँ ये
ये यहां तक आएगा, फिर इसके बाद में ए ए और टी टी, फिर सी हो जाएगा। तो आप देखिए ये बनता है आपका प्लाज्मिड, क्या बनता है प्लाज्मिड बनता है, ये होता है आपका प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड देखो जुड़ गए, ये वाला प्लाज्मिड का हिस्सा और ये वाला डिजायर डीन जीन या इंटरेस्ट ऑफ जीन हो गया, तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड भी हमारा भैया क्या है डीएनए है, प्लाज्मिड क्या है डीएनए है। तो इतनी बात समझ में आई, मतलब जीन को इंसर्ट नहीं करेगा तो ये प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी ही नहीं है, यह अच्छा प्लाज्मिड नहीं है। अगला देखते हैं इट कैन डुप्लीकेट, इसमें क्या होना चाहिए द्विगुणन की क्षमता भी होनी चाहिए, डुप्लीकेट सेंटर भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए डुप्लीकेट सेंटर भी होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि एक तो बाइंडिंग पावर होनी चाहिए और दूसरा देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने वाला भी साइट होना चाहिए, तभी तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा और उसी सेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज करता है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। मतलब सेम टू सेम या हूबहू उसी तरह के डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है क्लोनिंग कहलाता है। जैसे आप फोटोशॉप को जब आप चलाए होंगे, जो बच्चे फोटोशॉप जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे फोटोशॉप चलाना जानते हैं, वो एक फोटो को अच्छा सा बना लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि जो आपका टूल बार होता है फोटोशॉप में, फोटो एडोब जो फोटोशॉप होता है उसमें एक टूल बार होता है, उसमें रबर जैसा होता है, उसको लिखा होता है क्लोन, क्लोन करके कर्सर को घुमाते जाओ और क्या होगा फोटो बनते चले जाएंगे, मतलब आप क्लोनिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है ओराइज नेसेसरी, मतलब ओरिजिनेटिंग साइट जो होना चाहिए वो ही वो बहुत आवश्यक है, ओरिजिनेटिंग जो साइट होगा यहां पर देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन को उत्पन्न करने वाला भी जीन वहां पर होना चाहिए। इसके बाद में देखो साइज ऑफ प्लाज्मिड हमने बताया ही था, ये क्या होता है 1 KB से लेकर के 250 KB तक का प्लाज्मिड का क्या हो सकता है साइज हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ प्लाज्मिड हमने बताया था कि एक बैक्टीरिया में एक से लगा करके 100 तक का जो है, एक से लगा करके 100 तक का जो है क्या पाए जा सकते हैं प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं। और इसके साइज की भी हमने बात की थी कि डीएनए की अपेक्षा, डीएनए की अपेक्षा ये 1000 गुना छोटे होते हैं, और प्रतिशत में बात करें तो ये 2% होते हैं कुल डीएनए का इसके एवरेज में। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि लिखा हुआ है कि फॉर मोर प्लाज्मिड, फॉर मोर प्लाज्मिड क्लोरैम्फेनिकोल रिएजेंट मिक्स्ड इन कल्चर, कहने का मतलब यह है कि अगर आप बहु एक प्लाज्मिड आपको मिल गया और आप बहुत सारा या कोई डीएनए है, या कोई डीएनए है और उसमें चाहते हो कि बैक्टीरिया आपके लिए बहुत सारे प्लाज्मिड बना दे, आप चाहते हो कि एक बैक्टीरिया के पास में एक ही प्लाज्मिड है और आप चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया हमें 100 दे दे, क्या दे दे 100 प्लाज्मिड दे दे, तो अब क्या करोगे। लिखा हुआ है कि एक रिएजेंट होता है, केमिकल होता है जिसका नाम होता है क्लोरैम्फेनिकोल, क्लोरैम्फेनिकोल जो रिएजेंट होता है इसको क्या कर देना है मिक्स कर देना है, कहां पर मिक्स कर देना है जहां पर आप बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं, बैक्टीरिया का संवर्धन कर रहे हैं, उसमें जब मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा उसमें जो प्लाज्मिड दिया गया बड़ी तेजी के साथ में बढ़ेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे एम्पलीफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जब डीएनए की संख्या को हम बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए या डिजायर्ड जीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कराते हैं पीसीआर में जो हमारा थर्मोसाइक्लर मशीन होता है उसकी मदद से एक एपेंडॉर्फ ट्यूब होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं पीसीआर चेन यानी कि जिसको पॉलीमरे चेन रिएक्शन कहते हैं उसकी मदद से हम लोग क्या कराते हैं बहुत सारे अरबों डीएनए बना लेते हैं, अरबों कॉपी ऑफ डीएनए बना लेते हैं, डीएनए कॉपीज बना लेते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्लाज्मिड बने तो क्या हो जाएगा उसके लिए क्लोरैम्फेनिकोल रिएजेंट मिलाना पड़ेगा, कहां पर बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड हमारा दिखता कैसे, इसके बारे में पहले भी हमने बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा यहां पर क्या करेंगे कि देखिए ये जो प्लाज्मिड बना हुआ है इसमें कुछ भाग आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि लिखा हुआ ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यानी कि इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ऐसा साइट जो क्या करता है इस प्लाज्मिड को मल्टीपल कॉपी में कन्वर्ट कराने में मदद करता है या प्रमोट करता है। इसके अलावा हमने कहा था रेजिस्टेंट जीन, जो रेजिस्टेंट जीन होता है
वो क्या करता है, हमने बताया था कि कोई बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट जीन आखिर होता क्यों है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बैक्टीरिया रह रहा है और उसके बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड है जो कनामाइसिन की ड्रग्स को लेकर के वो बड़ा रेजिस्टेंट है। अब अगर वो व्यक्ति बुखार आने पर या किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण अगर वो कनामाइसिन ड्रग्स लेता है तो उसको कोई असर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया पर जाएगी और बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंट कराएगा, उस पर कुछ असर ही नहीं करेगा, तो इसलिए अब वो दवा उस पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिफरेंट प्लाज्मिड है वो डिफरेंट प्रकार के रेजिस्टेंट साइट रख रहे हैं, कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन का, कुछ एम्फीमाइसिन का, कुछ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, कुछ जो है जैसे यहां पर हमने इसके पहले हम लोगों ने बात कर ही ली है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहते हैं। ये किसी भी जीवाणु में 2 हो जाते हैं, किसी में 3 हो जाते हैं, किसी में 4 हो जाते हैं, और जिस किसी जीवाणु में रेजिस्टेंट जीन ज्यादा होंगे, जिस किसी प्लाज्मिड में जितने जीन होंगे वो उतना ही क्या होगा, रोग को फैलाने तथा उस पर एंटीबायोटिक्स औषधियां काम नहीं करेंगी, इसलिए वो प्लाज्मिड, वो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इस प्रकार से आप प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड का शेप एंड साइज, उसकी आकृति, उसके प्रकार, संरचना, सभी चीज़ों के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो आपको जानकारी ये कैसी लगी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।